आपने आज स्टेशन पे भी गए वडनगर पे, लोगों से भी मुखातिब हुए, टी स्टॉल का आपने जिक्र किया, वहां भी बात की। क्या जो 2014 में रौनक की शुरुआत हुई थी, जो ताकत, जो जूस की जुनवाई थी, जो शुरुआत हुई थी, क्या वो आज बरकरार है या कुछ कमी हुई? वडनगर में तो बरकरार है, वडनगर में बरकरार है। जैसे कल हमने ऊंझा विधानसभा सीट कवर किया था, तो ऊंझा विधानसभा के कुछ शुरुआती हिस्सों में परिवर्तन चाहिए, लेकिन वडनगर भी ऊंझा विधानसभा का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव, इस राजनीतिक छवि नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर अपनापन है। लोगों ने बताया भी कि नरेंद्र मोदी का व्यवहार, काम करने का तरीका कड़क है, लेकिन जब वो किसी से मिलते हैं तो वो व्यवहारिकता है, वो अपनापन है, वो भाव है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक प्रधानमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं है, घर के मानस के तौर पर है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए और वडनगर, खास तौर पर वडनगर के लिए लोगों के मन में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को लेकर ये भाव है, और ये भाव वोट में भी परिवर्तित होगा। और वडनगर को जिस हिसाब से देखिए आसिफ जी, डेवलप किया गया है, पीछे क्लॉक टावर भी बनाया गया है, ये 4500 साल पुराना तालाब है, सोलंकी राजवंश के समय का। 15 से 20 साल पहले तक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन पर्यटक के लिहाज से इसको बेहतर बनाया गया। तो और उसके बाद मैं आपको, दर्शकों को बता दूं, वडनगर और विसनगर में तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली है, 50 से 60 कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमाम रूप से शिक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, पर्यटन के क्षेत्र से वडनगर के रेडियस का 40 किलोमीटर हिस्सा बहुत डेवलप किया गया। सर, जब वडनगर इतना कामयाब है, इतना सफल है, फिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस, इस बार तो आम आदमी पार्टी इतनी हमलावर है, और जो बीजेपी में इसकी बौखलाहट दिख भी रही है, आखिर क्या वजह है? देखिए, मैंने वही कहा कि पैतृक गांव है तो पैतृक गांव से निजी लगाव होता है, और निजी लगाव के इतर एक हर एक व्यक्ति, हर एक राजनेता ये प्रयास करता है कि जो उनका क्षेत्र है वो विकसित हो। तो वडनगर का तो विकास हुआ है, लेकिन हमने जैसे बताया कि ऊंझा की ही दो परिस्थितियां, ऊंझा विधानसभा की, ऊंझा विधानसभा की शुरुआत में जाएंगे तो वहां पे लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वडनगर में जो ये है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जाएगा, तो देखिए ये परिवर्तन है। तो पैतृक गांव के लिहाज से यहाँ पर विकास है, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनका क्षेत्र डेवलप हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो, तो उस लिहाज से यहाँ पर डेवलपमेंट है। लेकिन जो यहाँ से निकलने के बाद के क्षेत्र है, वहाँ पर हो सकता है लोगों के मन में एक असंतोष की लहर है कि वो कुछ लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। और मैंने कहा ना, वडनगर के लिए वो एक राजनीतिक आदमी नहीं है, पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो घर के मानस है, तो वडनगर के लोग उन्हें घर के मानस के तौर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। राकेश सर, आपने कल भी देखा होगा कि लगभग 38 विधायकों का जो है नाम हटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसमें बात कर भी करे, लोग मस्जिद भी कर रहे थे, लोग मंदिर भी कर रहे हैं। मंदिर है और ये मानस देवी का मंदिर है, और ये इतना ही रहता है पानी में, और कहा जाता है कि जो ऊपर की ध्वजा है, जब ये पानी में डूब जाती है तो ये पूरा, मतलब पर्यटन के लिहाज से इस तालाब को बंद कर दिया जाता है। और ये जो पीछे की तरफ से, एक बार कैमरामैन को बोलूंगा, ये फिलिंग कुंड है, ये तालाब ना सूखे पर्यटन के लिहाज से, तो वो फिलिंग कुंड से पानी छोड़ा जाता है, वो भी नॉर्थन साइड पे बना हुआ है, और ये भी उत्तर पूर्वी तट है कपिला नदी का। ये जो तालाब है, ये उत्तर पूर्वी तट कपिला नदी पर बना हुआ है, अरावली नदी से, अरावली हिल्स से वो नदी बहती है। बताएं आप सवाल। देखिए ये लोकेशन, जो शानदार सी मंदिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखना होगा कि आखिर इसका आशीर्वाद किसको मिलता है। बहरहाल, अब एक जो सवाल राकेश सर बहुत ही अहम है, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष भी उठा रहा है, और मैं आपसे लेना भी चाह रहा हूँ, कि 38 विधायकों का लिस्ट से हटा दिया गया, जो पुराने विधायक भी रहे हैं, आखिर क्या वजह है? विपक्ष कह रहा है कि डर है, गुजरात में परिवर्तन हो रहा है, इस बात का डर है, लेकिन एक तरफ आप जैसे वडनगर आए तो फिर तमाम तस्वीरें उलट देखते हैं। क्या वाकई में ये बीजेपी के अंदर डर है, इस वजह से बौखलाहट है? क्या डर है, इसी वजह से नाम कटा है, या फिर कोई नई सोच है, इस वजह से नाम? देखिए, सोच कुछ नहीं है, और पुराने में ये देखना जरूरी है कि 38 में कई लोग बहुत पुराने थे, उन्होंने खुद मेमोरेंडम दिया है, खुद स्वेच्छा पत्र दिया है कि अब हम संगठन में काम करना चाहते हैं। हो सकता है कई लोगों में डर हो, कई लोगों को लेकर बीजेपी असहज की परिस्थिति में हो, असमंजस की परिस्थिति में हो, कई लोगों के विधायकों का कार्यकाल अच्छा ना रहा हो, हर सीट पे पर्यवेक्षक बीजेपी ने नियुक्त किए थे, कई लोगों का रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं आया हो, तो कुल मिलाकर यही कुछ कारण रहे होंगे जो पुराने सिटिंग विधायकों या पुराने बड़े दिग्गज चेहरों की, जिसमें नितिन पटेल, विजय रूपाणी जैसे चेहरे हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। और देखिए, जो लोग आ रहे हैं, जैसे हार्दिक पटेल है, पटेल आरक्षण को, पटेल, जो पटेलों के बीच में एक सरकार को लेकर संतोष,
मैं मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं? किसकी सरकार गुजरात में इस बार? कितना मजा आ रहा है घूमने में? चलिए ठीक है राकेश सर, अब एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाह रहा हूँ खड़े होकर बात कर लेते हैं। और कैसे देख रहे हैं? और सुमित जी आप थोड़ा पीछे चले जाइए, डर तो नहीं लग रहा आपको? चलिए ठीक, तैरना भी आता है, स्विमिंग आती है, एक अच्छी बात है। राकेश सर फाइनली क्वेश्चन है और बहुत अहम क्वेश्चन है, जिस तरक्की से जिस विकास से शुरू किए थे, क्या मोदी जी का ये विकास बरकरार रहेगा या इस बार लग रहा है कि कुछ उलट फिर हो जाएगा? देखिए मोदी जी का विकास तो दिख रहा है, वडनगर में तो दिख ही रहा है और रिपीट हो रही है, नरेंद्र मोदी बीजेपी रिपीट हो रही है, 27 प्लस 5 32 साल अब इस गुजरात में बीजेपी का कार्यकाल रहने वाला। 8 तारीख को मैं मोहर लगा के दे सकता हूं कि बीजेपी रिपीट हो रही है और 100 से 120 के बीच में ही रहेगी। इस पे भी मोहर आप लगवा लीजिए, नेक्स्ट 9 न्यूज और एसपीएन 9 न्यूज की लिखित बात है। ये जो प्रेडिक्शन है, सर्वे है, वो तो आएगा बाद में, लेकिन 17 में थोड़ा सा जो है घट गया था बीजेपी का सीटें। हाँ वो देखिए डर है, वही मैं कह रहा हूँ, वो एक बहुत असंतोष था 2017 में, पाटीदार अनामत आंदोलन, अल्पेश ठाकुर का क्षत्रिय ठाकुर ओबीसी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, सूरत में कपड़ा व्यापारियों के बीच में असंतोष, वो एक पीक था असंतोष का। अब तो असंतोष का वो पीक नहीं दिखता है, तो जब तब बीजेपी का मिशन रिपीट कामयाब हो गया तो आज उतना ज्यादा असंतोष नहीं है। व्यापारी जीएसटी को समझ चुके हैं, हार्दिक पटेल बीजेपी में आ चुके हैं, अल्पेश ठाकुर गांधीनगर से सीट मिल चुकी है, ले दे के बच्चे जिग्नेश मेवानी, तो आदिवासी समुदाय का जो भी सीट है तो वो 30 से 35 सीट जो कांग्रेस निकाल ले 20 से 25 सीट आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी पे मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि 20-25 सीट भी आएगी, लेकिन हाँ बीजेपी 110 से 120 के बीच में रिपीट कर रही है। राकेश सर एक सवाल ये है, आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है? दिल्ली मॉडल है, गुजरात पंजाब मॉडल है, या फिर नरेंद्र मोदी जी को यानी उनका जो विकास महंगाई एक मसला रहा है ये चुनौती है, या फिर विकास आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो भारी पड़ रहा है? आम आदमी पार्टी, आपने जैसे हम जब साबरमती पे शूट कर रहे थे तो आपने एक मसला कहा था कि पैकेजिंग किसकी बढ़िया है, आम आदमी पार्टी अपना विकास मॉडल पहुंचा नहीं पा रही, या तो ठीक से हम जितना बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी लोगों के जहर में तो है लेकिन उसके विकास मॉडल पे आम आदमी पार्टी को उतना एतबार हो नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं कि चलिए जो ये दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का भी फंड है, आप पंजाब को पहले पंजाब में प्रूव कीजिए, नशा खत्म कीजिए पंजाब में, नशा खत्म कीजिए पंजाब में, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए पंजाब में, बिजली का बिल मुफ्त दीजिए पंजाब में, कच्चे टीचरों को पक्का कीजिए, उसके बाद दूसरे जगह पर आपकी बातों पर विश्वास करें। चलिए एक आखिरी सवाल जो बैठ कर राकेश सर मैं लेना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल ये, कुर्सी पे तो बैठ गए राकेश सर, गुजरात की कुर्सी पे कौन बैठ रहा है फाइनल? गुजरात की कुर्सी पे वापस से बीजेपी, अब देखिए बीजेपी तो सत्ता में आ रही है, अब कुर्सी पे तो भूपेंद्र भाई पटेल बैठते या किसी दूसरे नेता को मौका मिलता ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने देखा खूबसूरत सा ये वीडियो रहा, हम लोगों के लिए भी एक यादगार की भी रहेगी, देखते हैं कि आखिर यहां से जो मंदिर का भी हमने एक तस्वीरें दिखाई किसको आशीर्वाद मिलेगा, फिर से गुजरात में किसकी सरकार मिलेगी। लेकिन एक चीज तो हकीकत है कि जो विकास है, जो कुंभ एक तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि गुजरात में अब की बार फिर से बीजेपी की ही सरकार। वडनगर में हम लोग आए हुए थे, कौन सा नगर? वडनगर। वडनगर में हम लोग आए हुए थे और ये तस्वीरें हम यहाँ से आपको खूबसूरत पिक्चर, आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बता दीजिए लेक का नाम है शर्मिष्ठा लेक। एग्जैक्टली, तो यही है यार, जो इतनी अच्छी तस्वीरें वडनगर से हम लोग ले रहे हैं।